इस साल जब बिग बॉस आया तब काफी लोग डिसअपॉइंट थे, काफी लोगों को लगा कि आप उस घर पे जाओगे, पर डिसअपॉइंट काफी बड़ा एंड आप नहीं गए उस घर पे। एंड अब लॉकअप टू सीजन टू आने वाला है, क्या आप जाओगे उस घर पे, जाना पसंद करोगे उस जेल में, लॉकअप टू के जेल में? जेल में जाना कौन पसंद करेगा? नहीं, वो रियलिटी शो है, आई नो। नॉट अ रियलिटी। नहीं, जैसे कि मैं बिग बॉस ये सीजन गई थी, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट नहीं गई थी, एज अ गेस्ट गई थी। यस तो अगर मुझे ऐसे वो मिलने, हालचाल पूछने, बुलाना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, सबको हाय हेलो बोल के आऊंगी, सबको मोटिवेट करके आऊंगी, उनके साथ गेम्स खेल कर आऊँगी। जैसे कि मैं बिग बॉस में भी गई थी, न्यू ईयर्स पे गई थी आई थिंक। हाँ, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट तो नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट हैव एनी प्लान्स। एमसी स्टैंड किताब जीते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सो हियर इज अ फैन, एमसी स्टैंड फैन, आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। नॉट जस्ट एमसी स्टैंड, डीएचएच का फैन हूं मैं। सो या बहुत अच्छा फील हुआ एंड स्टार्ट्स आई वाज सपोर्टिंग हिम एंड रियली लाइक हिम, गाने सुनता हूं उसके एंड ऑल। सो बहुत अच्छा फील हुआ दैट ही वन, कहां से आके आज वो कहां पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बट काफी लोग कह रहे थे कि प्रियंका डिजर्विंग थी, आपकी क्या राय है इस पे? मैं पर्सनली तो उनको सपोर्ट कर रहा था। उनको देखो हंसी भी आ रही है सब पूछ के ना। मैं पर्सनली उनको सपोर्ट कर रहा था, बट सी पूरा गेम वोट्स पे। यस सो मेरे एक इंसान के किसी के बोलने पे, अगर मैं बोलूँगा कि प्रियंका जीत जाए तो वो नहीं जीत सकती, मैं बोलूँगा कि एमसी स्टैंड जीत जाए तो वो नहीं जीत सकते। जिसको सब वोट करेंगे वही जीत पाएगा। सो उनको वोट ज़्यादा मिले, सब ने उनको ज़्यादा पसंद किया, तो आई गेस इसलिए वो जीते। अरे बाप रे, इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। ब्रेकअप जीवन का अंत क्या? आपके कोई दिन का अंत भी नहीं है। मतलब आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी हद तक के लोग बहुत चिल हो गए और कूल हो गए, उन्हें पता है कि हाँ ठीक है, लाइफ ख़त्म नहीं होती। गाइस, किसी के भी आने से और किसी के भी जाने से आपकी ज़िंदगी नहीं रुकती है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो उससे सिर्फ आप ही को तकलीफ़ हो रही है। दुनिया चलती रहेगी और वैसे ही चलती रहेगी। तो बस मोटिवेटेड रहिए और जो भी होता है आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और उसको एक टेस्ट समझकर भूल जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और जो भी बुरा होता है, जो हमें लगता है कि शायद हमारे साथ इतना बुरा हो गया, आई थिंक वो बुरा नहीं होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ बेहतर है आपके लाइफ में आगे आने के लिए। तो वो उसको सब पता है और इसलिए आपके साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। बस अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, सेन रखिए, बिजी रखिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करिए। यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर फ्यूचर, यू हैव योर फ्रेंड्स, आपका काम है, काफ़ी सारी दुनिया में और 50 चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ थोड़ी ना है कि अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें।